वीडियो में इंट्रोडक्टरी सारी चीजें देखी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को इलैबोरेट करेंगे। तो हमें पता है कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम और दो हिस्सों में, इसको डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड व्हाट, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये आपको बात पता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, एरोज दे देता हूँ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इलैबोरेट करेंगे हम इसमें कि स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे कि नाम है, ये एक सेल्फ एडजस्ट फ्रिक्शन, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, हमें पता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक यहां पर रखा गया है ऑन अ सरफेस, और इसको आप एक स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, जिससे हम लोग फोर्स मेजर करते हैं, वो रद्दी पेपर वाला आता है ना, जो ऐसे स्प्रिंग बैलेंस को यूज करता है, यहां पर कुछ मार्किंग होती है और उसके एंड में यहां पर क्या होता है, एक हुक सा होता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फिगर इज देयर। तो क्या होता है कि यहां पर अगर आप फोर्स अप्लाई करें, ठीक, इस वुडन ब्लॉक को आपने क्या किया, यह है एक वुडन ब्लॉक, उसको आपने एक स्प्रिंग बैलेंस से पुल किया, खींचा, उधर फोर्स लगाया। तो हम यहां पर देखेंगे कि जितना ये स्प्रिंग बैलेंस हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमें कितना फोर्स लगेगा, है ना, ये उसमें रीडिंग दिखने लगेगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया आपने, अब कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा टू मूव द ब्लॉक हमें पता नहीं। पहले आपने इसको इधर खींचा, थोड़ा सा फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट नहीं मूव किया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे क्यों है, क्योंकि आपने इस डायरेक्शन में उसको खींचने की कोशिश की और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगा, तो यहां पर क्या लगने वाला है, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शन है जो कि बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो यहां पर बैठे हुए जो मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया है, उस वजह से क्या होगा, यहां पर फ्रिक्शन डेवलप होगा। पर ऐसा होगा कि नहीं होगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट को हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाकर खींचे, फोर्स बढ़ा दे, तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट आएगा जिसके बाद ये ऑब्जेक्ट वुडन ब्लॉक मूव करने लगेगा, है ना, सिंपल है। तो वुडन ब्लॉक तो मूव करेगा जरूर, तो हाईएस्ट फोर्स या द फोर्स फॉर विच द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, वो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, और वो मैक्सिमम कितना होगा, जब तक ब्लॉक मूव नहीं करता, और विथ इंक्रीज इन फोर्स, इंक्रीज इन फोर्स क्या हो जाएगा, द बैलेंस ऑफ द पुलिंग फोर्स, मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, है ना, एक सर्टन स्टेज के बाद ब्लॉक का जो मोशन है वो चालू हो जाएगा। तो जिस मोमेंट तक जैसे आपने इंक्रीज किया फोर्स, व्हेन द ब्लॉक जस्ट बिगिन टू मूव उस पॉइंट तक यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन का फोर्स होगा, व्हेन द ब्लॉक जस्ट बिगिन टू मूव,
वी एक्सपीरियंस मैक्सिमम फ्रिक्शन, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हम एक्सर्ट करते हैं, और उसी फ्रिक्शन फोर्स को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब स्टार्टिंग में आपने थोड़ा 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 फोर्स लगाया तो ब्लॉक बिल्कुल नहीं हिला, लेकिन जैसे आपने फोर्स इंक्रीज किया एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहां पर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट्स की जो इंटरलॉकिंग है वो इंटरलॉकिंग टूटने लगेगी। ये जो हिल्स एंड वैलीज बनी हुई है हमारी, यहां पे इस वुडन ब्लॉक का जो ऊपर का पोर्शन है वो फंसा हुआ होगा, और उस जैसे ही आप इसको फोर्स अप्लाई करेंगे मतलब पुल करेंगे इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा ये इंटरलॉकिंग टूटने लगेगी, दिस ऑब्जेक्ट विल मूव फॉरवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा इंटरलॉकिंग टूटने लगेगी। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन, और इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है? तो इसी को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। समझ में आएगा आपको, ठीक है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, ठीक है? व्हेन द ब्लॉक जस्ट बिगिन टू मूव, व्हेन द ब्लॉक जस्ट बिगिन टू मूव, समझ में आया आपको? सो दिस इज व्हाट है ना। तो इसको हम नॉर्मल मतलब डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अपने हमने स्टैटिक फ्रिक्शन देखा, वैसे ही हम काइनेटिक फ्रिक्शन को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देखते हैं। चलो इसको नोट कर लो आप, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी, है ना। सुनो, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन में हम क्या बोलते हैं कि फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय द बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन, व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। ये बात तो फिक्स है, यहां पर बॉडी रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी, यहां पर बॉडी मोशन में है, ठीक। देन आपको बोला गया है कि इसी को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? मूविंग। तो इसी को हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, एंड इट इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अभी तो मोशन में है ना, कोई इंटरलॉकिंग ज्यादा है नहीं, है ना। तो इट इज लेस देन, दूसरा पॉइंट लिखो, इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर अब इसके दो पार्ट्स आते हैं, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन है रोलिंग, ठीक। तो रोलिंग तो आपने देखा ही होगा, और स्लाइडिंग जब दो सर्फेसेस इंटरैक्ट करती है, जैसे यहां पर सूटकेस को आप खींच रहे हो सपोज, या फिर कोई वुडन ब्लॉक, उसी वो वाला, जैसे ही वो मूव करने लगा, प्रीवियस वाला जो वुडन ब्लॉक था एक बार शुरू हो गया चलना, तो वहां पर क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच में? एक बार हमने इसको पुल किया, फोर्स लगाया, तो यहां पर कौन सा पिक्चर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, समझ में आया? तो यहां पर जब सूटकेस रुकी हुई थी तो वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन था, या वुडन ब्लॉक जब रुका हुआ था वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन था, जैसे ही वुडन ब्लॉक ट्रेवल करने लगेगा वहां पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। तो यहां पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। फिर रोलिंग के लिए सेम वुडन ब्लॉक ले लो जो प्रीवियस स्टैटिक में किया था, उसको
व्हील्स लगा दो, उसको व्हील्स लगा दो, ठीक है, व्हील्स लगा दिए, सेम अरेंजमेंट, ये हुक लगा दो और यहां से स्प्रिंग बैलेंस से अटैच कर दो। ठीक है, तो ये वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, और ये है स्प्रिंग बैलेंस, तो ऐसे ही सब वर्क करेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम मोशन करना शुरू कर देते हैं, फ्रिक्शन कम हो जाता है, और जब पार्टिकल रुका हुआ होता है, रेस्ट पे होता है, जहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन हमको मिलता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं, जिससे देखो ग्राफ हमारी लाइफ आसान बना देता है, ग्राफ को देख के हमें बहुत सारी चीजें समझ में लगती है। तो ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाता है। ठीक है, देखिए ग्राफ। यहां पर हमने फोर्स, अप्लाइड फोर्स वाई एक्सिस पे लिखा है, और यहां पर हम लिख रहे हैं टाइम। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक आइडियल स्टैंडर्ड ग्राफ। और यहां पर बोला है कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ता है इनिशियली, पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो क्या हो जाएगा, उसको वो मूव नहीं करता, मतलब फ्रिक्शन स्टैटिक फॉर्म में जब रहता है तब क्या होता है, फोर्स जितना अप्लाई करोगे स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव करने वाला ही नहीं है स्टैटिक के केस में। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टू मूव, मतलब इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि अब बहुत रोक लिया, रोक लिया इंटरलॉकिंग ने, इंटरलॉकिंग ने एक दूसरे को बहुत रोक लिया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एक पॉइंट आएगा सडनली ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टू मूव इस पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, अब फ्रिक्शन सडनली कम हो जाएगा और सडनली कम हो जाएगा और पार्टिकल, ऐसा भी कर सकते, सडनली कम हो जाएगा और पार्टिकल स्लाइड करने लगेगा। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहां मिलता है आपको, और यहां पर मिलता है स्टैटिक। स्टैटिक क्यों ऐसा मिल रहा है आपको, क्योंकि फोर्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा, मतलब ये इंक्रीजिंग फ्रिक्शन है विद टाइम। जितना टाइम आप उसको लगाओगे, शुरू में नहीं मूव किया, नहीं मूव किया, धीरे 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 फोर्स लगाया था आपने, नहीं मूव किया, लेकिन एक पॉइंट के बाद, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट विल व्हाट, स्टार्ट टू मूव। अब एक बार ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लगा तो स्लाइड करते समय इंटरलॉकिंग तो टूटती रहेगी हमेशा, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मिलेगा। समझ में आ रही है क्या? तो आपको इस पॉइंट को मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू, समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये चीज है जहां पर आपको स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन मिलता है। ठीक है, फिर यहां पर हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कॉजेज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। ठीक, तो आपने रोलिंग फ्रिक्शन, जैसे स्लाइडिंग तो आसान है कि जैसे ही पार्टिकल मूव करना शुरू कर दिया, स्लाइड कर रहा है, तो वहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, स्टैटिक में सबसे ज्यादा है, एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, सो दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको सारे चीजों का हल मिल जाएगा इसमें। ठीक है, स्लाइडिंग इज नथिंग बट फर्दर पार्ट ऑफ स्टैटिक है, जहां पर आपको व्हेन द ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन टू मूव। तो रोलिंग फ्रिक्शन में कुछ नए कंसेप्ट हमको सीखने को मिल रहा है, जैसे रोलिंग कहाँ पे मिल रही है हमको, जैसे कार चलती है, जो भी व्हीकल चलता है, बाइसिकल, ठीक है, या फिर व्हील्स कहीं पे भी लगे हुए, ट्रेन में लगे हुए हो,
या सूटकेस में लगे हुए हो। यहां पे सब में आपको रोलिंग फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करता है। सूटकेस के व्हील लगेज को स्मूथ बनाने के लिए होते हैं, ठीक है। फिर ट्रेन के व्हील्स देखे होंगे आपने, एकदम जायंट, लेकिन फ्रिक्शन कम होता है क्योंकि ट्रैक्स पे होता है, राइट। तो वहां पर डिफॉर्मेशन कम होना चाहिए, इसीलिए सारी चीजें होती है। जैसे इन सब का पर्पस क्या है? पर्पस अगर मैं देखूं तो, अगर कोई भी स्पेरिकल चीज या व्हील जब रास्ते पे दौड़ता है, तब रास्ता एकदम आइडियल केस में क्या होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए। आइडियल केस में मैं क्यों बोल रहा हूं फ्लैट होना चाहिए? क्योंकि यहां पर मिनिमम कांटेक्ट होगा। मिनिमम कांटेक्ट मतलब मिनिमम फ्रिक्शन, ठीक है। अगर मैं सूटकेस की बात करूं या फिर वुडन ब्लॉक की बात करूं, तो वुडन ब्लॉक में इतना बड़ा सरफेस एरिया ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है या स्मूथ सरफेस के साथ कनेक्टेड है, तो इतना ज्यादा सरफेस कनेक्टेड है तो फ्रिक्शन यहां पर ज्यादा होगा। अब व्हील का शेप ऐसा होने की वजह से उसका ग्राउंड के साथ कनेक्शन बहुत छोटे सरफेस में आता है, तो यहां पर ऑब्वियसली रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होगा। तो लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे लास्ट आता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो जब रोलिंग फ्रिक्शन की ऐसी बात चल रही है, तो हम बोल रहे हैं कि यार सरफेस एरिया सबसे कम होना चाहिए, तब तो फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। लेकिन आइडियल केस में ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, जैसे ही आपने देखा है कि हेवी व्हीकल्स, ट्रक्स या फिर बहुत बड़े बड़े बुलडोजर्स जब जमीन पे चलते हैं, तो क्या हो जाता है, टार रोड, जैसे आपने देखा होगा हर सिटी में कि रास्ते जल्दी खराब हो जाते हैं। रास्ते जल्दी खराब होते हैं, उसका रीजन क्या है कि यहां पर जब ट्रक्स चलते हैं, बहुत हेवी मास होता है उनका, तो उनकी वजह से क्या हो जाता है, यहां पर जो रास्ता है उसमें डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। सपोज ये रास्ता ऐसा है, तो कुछ ऐसी गड़बड़ी होने लगती है रास्ते में बिकॉज ऑफ व्हील्स। तो अगर ये व्हील है, तो यहां पर क्या आ गया, बिकॉज ऑफ दिस व्हील्स, वहां पर ये रास्ता उससे चिपक गया व्हील से, बराबर है। ये विजुअलाइज करो आप अच्छे से, तो उससे क्या हो जाएगा, जब भी बड़े बड़े रास्ते, जैसे ये दिस इज द सरफेस, ठीक है, तो यहां पर डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। इसको ये जो गड्ढा गिरा है, जब रास्ते पे कोई ट्रक्स चलते हैं या फिर हेवी व्हीकल चलते हैं कोई भी, तो यहां पर क्या आ जाता है, डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है। डिप्रेशन मतलब डेप्थ, ठीक है। और ये क्या है, अपना व्हील है, ठीक। और यहां पर होता है इंक्लाइंड प्लेन, यहां पर इंक्लाइंड, और ये नीचे आ रहा है क्योंकि व्हील तो ऐसे घूमेगा, इस वजह से सबसे ज्यादा वियर एंड टियर होता है किसका, जब भी रास्ते पे चलती है गाड़ी, रोल करती है, वहां पे डिफॉर्म हो जाता है टेम्परेरी टाइम के लिए एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आप बात याद में रखो। और वहां से क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन की वजह से इंक्लाइन प्लेन फॉर्म होगा, है ना। और ज्यादा सरफेस कॉन्टैक्ट में आता है किसके, अब पहले आइडियल केस में क्या आ रहा था, अगर आइडियल केस में पकड़ू रास्ता ऐसे पकड़ू, तो ये सरफेस इन कॉन्टैक्ट कम हो रहा है किसका, रोलिंग फ्रिक्शन में। लेकिन यहां पर डिफॉर्मेशन क्रिएट होने की वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड इंक्लिनेशन मिलेगा, तो यहां पर हमें क्या करना है, डिफॉर्मेशन कम करना है। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, रास्ते आजकल हम लोग सीमेंट के बनाने लगे, पहले टार रोड रहते थे, जल्दी खराब हो जाते थे। तो जो एकदम टफ रोड्स रहेंगे, जहां पर हम फ्रिक्शन भी अच्छे से प्रोवाइड कर पाए और उसका सरफेस ऐसा जल्दी डिफॉर्म ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, है ना, इसको
यूज करेंगे, तो इसमें भी लेस सरफेस एरिया ही है एज कंपेयर टू, क्योंकि देखो किसी भी स्पीयर का या किसी भी व्हील का सरफेस एरिया कम ही होगा बाकी के फ्लैट सरफेस से, कितना भी आप करो। इसमें तो सरफेस एरिया कांटेक्ट में ज्यादा ही रहेगा हमेशा, तो हमेशा आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि रोलिंग फ्रिक्शन में आइडियली ऐसी केस होनी चाहिए, और होती ऐसी केस है, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम ही आएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है क्या करने का, रोल यूज करने का। इसीलिए हम देखो साइकिल के चक्के में या इसमें क्या कराते हैं, बॉल बेयरिंग्स वगैरह लगाते हैं, है ना, छर्रे बोलते हैं उसको, छर्रे। ठीक है, आपको पता होगा ये कि साइकिल के व्हील्स में ऐसे मेटल के बॉल्स डाल दिए जाते हैं, मेटल के स्पीयर्स डाल दिए जाते हैं, ऐसा कुछ रहेगा, एक रिंग रहेगा, एक बीच में रिंग होता है साइकिल में देखना, और बीच में बॉल बेयरिंग्स लगा दिए, बॉल बेयरिंग्स बोलते हैं इसको, क्योंकि ये बॉल है। बॉल बेयरिंग्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं, फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं, है ना, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बॉल बेयरिंग हो या रोलिंग बेयरिंग, तो स्केटिंग में भी ऐसा दिखता है आपको, स्केटिंग जो होती है अपनी, है ना, रोलर स्केटर, है ना, वहां पर भी आपको सरफेस एरिया कम करने के लिए ताकि मूवमेंट फास्ट फास्ट हो वहां पर। ठीक है, तो ये स्मॉल डिप्रेशन जो फॉर्म होता है ना जमीन के साथ, इसीलिए क्या होता है रोलर स्केटिंग अच्छे अच्छे बड़े बड़े ट्रैक्स पे होती है। ठीक है, वो चीज हमको पता होनी चाहिए। ठीक, समझ में आया क्या आपको, चलो फिर आगे बढ़ते हैं।